गाइस, स्वागत है आपका मेरी चैनल क्रिक लाइफ पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक ऑफ स्पिनर की परफेक्ट ग्रिप क्या होती है। दोस्तों, आप देख सकते हो कि बारिश का मौसम चल रहा है और स्पेशली वीडियो शूट करने के लिए मैं ग्राउंड पे आया। तो दोस्तों, मेरे एफर्ट के लिए एक लाइक तो बनता है, और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना मेरी चैनल को। तो बिना देरी किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले आपको बॉल को अपने दो फिंगर के बीच में प्लेस कर देना है। दोस्तों, आपको ध्यान रख, अगर आपकी फिंगर छोटी है तो आप तीन फिंगर का भी सपोर्ट ले सकते हो, लेकिन आइडियली मैं आपको कहूँगा कि आपको दो फिंगर से ऐसे आपको बॉल को फिट कर लेना है और इस अंगूठे को यहाँ पर रेस्ट करना है। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि आपका बॉल आपके फिंगर के इस पार्ट पे और इस इधर सपोर्ट करे, और ऐसे आपको अंगूठे को सपोर्ट पे रखना। यहाँ पे आप देख सकते हो, थोड़ा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। दोस्तों, ये आपकी एक प्रॉपर ग्रिप हुई हॉफ स्पिनर की, और जब भी आप बॉल डालोगे तो आपको दोस्तों इस पार्ट से बॉल को पुश करना है, फिंगर से, फिंगर के इस पार्ट से। आप बहुत सारे प्लेयर, इनफैक्ट मैं भी जब नया ऑफ स्पिनर था तब मैं गलती करता, मैं इधर से बॉल को टर्न कराने की ट्राई करता था, लेकिन दोस्तों ये बहुत वीक मसल्स होते हैं, इधर से आपको ज़्यादा टर्न नहीं मिलेगा और आपका ये पार्ट जो बार बार छिल जाएगा, आप अच्छे से बॉलिंग भी नहीं कर पाओगे। इस पार्ट से आपको बॉलिंग करना है, यहाँ से आपको बॉल पे ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगा। तो दोस्तों, इस पार्ट को इधर ग्रिप के यहाँ पे फिट कर देना है, और आपको यहाँ पे दोनों फिंगर के बीच में ऐसे बॉल को प्लेस करना है और फिर आपको बॉलिंग करनी है। तो दोस्तों, आप जब बॉल डालें तो आपको ध्यान रखना है कि आपका बॉल ऐसे 45 डिग्री पे रिलीज हो। यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको बॉल को ज़्यादा टाइट भी नहीं पकड़ना, ज़्यादा लूज भी नहीं पकड़ना, नॉर्मल एक फर्म ग्रिप होनी चाहिए। यहाँ पे आपको बॉल को ऐसे पकड़ के जब भी आप बॉल रिलीज करो तो ऐसे 45 डिग्री पे आपको रिलीज करना है। आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो सीम है वो फाइन लेग की ओर पॉइंट आउट करें। बहुत सारे प्लेयर्स स्टार्टिंग में ऐसे मिस्टेक करते हुए ऐसे 90 डिग्री पे डालते हैं। दोस्तों, इसमें इस ग्रिप में गलत कुछ नहीं है, लेकिन इसमें आपको टर्न कम मिलेगा और बॉल स्किड ज़्यादा होगा। इस वाली ग्रिप में दोस्तों आपको टर्न भी मिलेगा और बॉल पिच होकर बाउंस भी ज़्यादा होगा। दोस्तों, ये एक परफेक्ट ग्रिप है, आपको दो फिंगर्स के बीच में प्लेस करना है बॉल को और फिर ऐसे करके 45 डिग्री पे बॉल को रिलीज करना है। सो आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये मैंने सिर्फ छोटा सा वीडियो बनाया था आपको सिर्फ ग्रिप के ऊपर नॉलेज देने के लिए। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऑफ स्पिनर्स के लिए कौन सी ड्रिल्स आप कर सकते हो तो बिकम अ गुड ऑफ स्पिनर, तो उसके लिए भी मैं वीडियो ला दूंगा। मुझे कमेंट करके बता देना, जब भी यहाँ सूखा होगा मैं आपके लिए ट्राई करूंगा वीडियो लाने के लिए। ऑलरेडी मैं एवरीडे शॉर्ट्स वीडियो में अपनी ड्रिल्स और वो सब डालते रहता हूँ, लेकिन एक डेडिकेटेड प्रॉपर ड्रिल्स के ऊपर वीडियो मैं आपके लिए जरूर लेके आऊंगा, लेकिन उसके लिए मुझे कमेंट करके आपको बताना होगा। और दोस्तों, ये जो भी बातें मैंने आपको कही वो सिर्फ ऑफ स्पिनर नहीं, वो लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिनर के लिए भी वैलिड है। दोस्तों, हाँ, ये लेग स्पिनर के लिए वैलिड नहीं होगा, उसके लिए फिर कभी मैं वीडियो लेके आऊँगा, प्लीज़ उसके अगर आपको वो वीडियो भी चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता दो। लेकिन दोस्तों, लेफ्ट आर्म स्पिनर के लिए भी ये सारी बातें सेम ही वैलिड है, सिर्फ यही सेम चीज़ लागू पड़ती है, सिर्फ राइट हैंड की जगह लेफ्ट हैंड होगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड।